हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर सिक्स जो होने वाला है, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले के लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना सीख लिया था और उससे बाकी के लेक्चर्स के अंदर हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखा था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है या दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो अगर आप लोगों ने एडिशन देख लिया होगा तो सिमिलर एडिशन का जैसा ही क्या है, सब्ट्रैक्शन भी होगा। एडिशन में हम ऐड करते थे, वही चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूल्स वगैरह सभी वैसे ही काम करेंगे। तो सिंपली पहले स्टेप में हम वहाँ क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे। उसके बाद में क्या करते थे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे और जो भी रिजल्ट आता था उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। हमें यहाँ भी वही करना है। उसके बाद में वहाँ हम ऐड कर देते थे, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो देखो इन दोनों का मैं आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ इस एग्जांपल को। 16 और 12 का जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 48। आप लोग लेके देख लेना, तो 48 आ गया, यहाँ पे लिख दिया 48। अब इस 48 को इस 16 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम होगा। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 39। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। इसके बाद में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 11 आएगा, नीचे कितना आ गया, 48। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसे ही ये आगे के पाँचों क्वेश्चन है, इनको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर हम 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो देखो 6 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 12। अब इस 12 में 6 से डिवाइड करो, 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 10 होगा। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 टाइम होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब यहाँ देखो 10 - 9 करोगे 1 आएगा और नीचे क्या आएगा, 12। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो 9 2 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23 डिवाइड बाई 9। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ और यहाँ हम करेंगे इसको, 15 1 15 15 और 1 कितना हो गया, 15 और 7 कितना हो गया, 22 डिवाइड बाई 15। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो अब एलसीएम कैसे लें, तो आप लोग लेके देख लेना। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 45। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एलसीएम कितना आ गया, 45। तो अब क्या करना है, इस 45 में इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। देख लेना कुछ गलत तो नहीं हुआ है, 9 2 18 + 5 23 सही है, 15 1 15 + 7 कितना हो गया, 22/15 सही है। 45 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115, बीच में आएगा माइनस। इस 45 को 15 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम होगा। 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66। फिर माइनस करेंगे, 5 में से तो 6 माइनस होता नहीं है, तो एक इधर से बोरो करेंगे यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 10 बच गया, एक में से 6 गया तो 49 डिवाइड बाई 45। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये मिक्स्ड में दिया हुआ था, तो कन्वर्ट भी क्या करना पड़ेगा मिक्स्ड में। तो 45 से 1 टाइम डिवाइड होगा, 45 होगा, 4 बच जाएगा, 4 को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या आएगा, 45। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो 10 3 जा 30, 30 + 3 33 डिवाइड बाई 10 माइनस 15 1 जा 15, और 15 और को 7 से वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो सॉरी 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। नीचे कितना है, 15 है। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। इस 30 में 10 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम होगा। 3 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 99 आएगा। माइनस है बीच में तो माइनस आएगा। इसको इसके अंदर कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। 30 के अंदर 15 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है,
2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 55 आएगा, नीचे कितना आएगा 30। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो अगर हो रहा है तो देखो ये 5 से 11 टाइम डिवाइड हो गया और ये 5 से 6 टाइम डिवाइड हो गया। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे किया मैंने, दोनों 5 से डिवाइड हो रहा था तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको मिक्स्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 6 वन जा 6, 5 बच जाएगा तो 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ओनली 7 गिवन है तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए 7 के नीचे 1 लगा देंगे, फिर आगे क्या होगा 7/1 माइनस, पहले इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 3 4 = 12, 12 + 2 कितना होगा 14 डिवाइड बाय 3। एलसीएम लोगे 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है, तो इस 3 में 1 से डिवाइड करो 3 टाइम होगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, इस 3 में इस 3 से डिवाइड करो 1 टाइम होगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होगा, ऊपर क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाएगा, नीचे कितना है 3 है, इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 3 2 = 6 बचा कितना 1, नीचे कितना आ गया 3 आ गया, तो आंसर कितना हो गया 2 and 1/3। ये मैं आप लोगों को कन्वर्जन करना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, पहले या दूसरे लेक्चर में जाके देख लीजिए आप अच्छे से कि भाई हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके नीचे हम क्या करते हैं 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पहले कन्वर्ट कर लो, 3 5 = 15, 15 + 2 कितना होगा 17/3 माइनस 3/1, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा 1 और 3 का, इस 3 में इस 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, इस 3 में इस 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, नीचे कितना आएगा 3 आएगा। अब ये 3 से देखो 2 टाइम डिवाइड हो गया, बचा कितना 2 और नीचे कितना आएगा 3, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 2 and 2/3। आई होप आप लोगों को ये पांचों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं 2 वर्ड प्रॉब्लम जिसमें क्या होगा रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए क्वेश्चन को पहले, इसको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आए आप लोगों के पेपर में तो उसको करने का एकमात्र सबसे आसान तरीका यही है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद में क्या कीजिए जो भी चीज़ें गिवन है उनको एक बार अलग से लिख लीजिए, और लिखने के बाद में फिर उस चीज़ पर फोकस कीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करोगे तो आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि क्या क्या गिवन है, क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो आप लोगों की कोशिश ये करना कि इसको इस प्रोसीजर को फॉलो करो कि सबसे पहले क्या करो, गिवन चीज़ों को लिखो, फिर क्या फाइंड करना है उस पर फोकस करो। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पीस ऑफ वायर, एक वायर का टुकड़ा है 3 and 3/4 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर का एक टुकड़ा था, जैसे मान लो ये एक वायर का टुकड़ा है, ये कितना मीटर है, वैसे ये बहुत छोटा है लेकिन ये मान लो कि 3 and 3/4 मीटर लॉन्ग, ब्रोक इंटू 2 पीसेज, ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे मान लो एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़ों में टूट जाता है, बोला ना ब्रोक इंटू 2 पीसेज, 1 piece is 1 and 1/2 मीटर, ये जो एक पीस है ये कितने का है 1 and 1/2 मीटर, तो हमें क्या बताना है ये इतनी लेंथ का है, लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, हमें ये बताना है ये पीस कितना होगा। तो इसको ऐसे सिंपल शब्दों में आप लोगों को मैं समझाऊं कि भाई ये अगर 100 मीटर का होता, मान लो इसके 2 टुकड़े हो गए, ये 20 मीटर का हुआ, तो ये बाकी का बचा हुआ कितने का होगा 80 यानी 80 मीटर का होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया है, तो हमने ये 80 कैसे फाइंड किया, टोटल कितना था 100, उसमें से हमने इस 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी का बचा हुआ 80 निकल के आ गया क्या। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे को यहाँ भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन ए पीस ऑफ वायर 3 and 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इंटू 2 पीसेस, तो पहले तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ वायर, या ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर बोल सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर वो कितनी है 3 and 3/4 मीटर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या बोलेंगे, वन पीस ऑफ वायर कितना है, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर
वन पीस ऑफ वायर वो कितनी है, 1 and 1/2 meter। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ अदर पीस फाइंड करनी है, तो उसको भी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ अदर पीस वो हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, अगर हम टोटल लेंथ ऑफ वायर में से या फिर ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर में से, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे किसको, जैसे अभी मैंने बताया था ना ओरिजिनल लेंथ ये थी पूरी 100, उसमें से इस वाले पीस की लेंथ को क्या कर दे, हटा दे, तो बाकी की लेंथ किसकी बचेगी, इसकी। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर माइनस लेंथ ऑफ वन पीस, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ अदर पीस आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सोल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। 3 and 3/4 तो ओरिजिनल लेंथ थी, माइनस इसकी कितनी थी 1 and 1/2। इसको कन्वर्ट करो पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, 4 3 12 और 3 15/4 माइनस 2 1 2 और 1 3 3/2। दोनों का क्या लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 में इस 4 से डिवाइड करो, 1 टाइम होगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इस 4 में ये 4 है ध्यान रखना, इस 4 में 2 से डिवाइड करोगे, 2 टाइम होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा। ऊपर 9 आया, नीचे 4 आया। अब आगे क्या करना है, इसको वापस से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, और लेंथ है तो इस किस में आएगा रिजल्ट, मीटर में निकल करके आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसको मैंने कन्वर्ट कैसे किया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो जो अदर पीस ऑफ वायर है वो कितने का होगा, 2 and 1/4 meter का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम सोल्व करेंगे। ए फिल्म सो लास्टेड फॉर 3 and 2/3 hours, आउट ऑफ दिस टाइम 1 and 1/2 hours वाज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। आप लोगों ने अगर कोई मूवी देखी होगी तो जैसे 4 घंटे तक, जैसे मान लो 12 बजे मूवी आ रही है दिन में, आज संडे है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि संडे के दिन 12 बजे कोई मूवी आ रही है, ठीक है, नई कोई मूवी आ रही है, तो वो 12 से चल के 3:30 बजे तक चलेगी। यानी कि आप लोगों को लगता है कि मूवी कितने घंटे की हुई, 3:30 घंटे की, एक्चुअल में मूवी 3:30 घंटे की नहीं है, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी तो आएगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट का टाइम अगर हम हटा दें, सारे एडवर्टाइजमेंट का टाइम हटा दें, तो जैसे मान लो 5-5 मिनट के 10 एडवर्टाइजमेंट आए, 3 घंटे की मूवी के बीच में 5-5 मिनट के 10 एडवर्टाइजमेंट आए, तो 5-5 मिनट के 10 एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया टोटल 5 times 50 minutes तो एडवर्टाइजमेंट ही तो चला। बाकी के 3 घंटे में से 50 मिनट्स को अगर हम हटा दें तो 2 घंटे यानी 2 hours and 10 minutes उतने टाइम की क्या थी, एक्चुअल में मूवी थी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वापस से पढ़ते हैं। तो देखो, ए फिल्म सो लास्टेड फॉर 3 and 2/3 hours, एक फिल्म है वो कितने, उसका शो कितने घंटे का होता है, 3 and 2/3 hours का होता है, उसमें से 1 and 1/2 hours तक तो क्या चलता है, स्पेंट हो जाता है किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे, और बाकी का बचा हुआ टाइम वही तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म होगा। तो हम यहाँ पे सबको एक बार लिख लेते हैं, तो हम बोलेंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो, फिल्म का जो शो था उसका टोटल ड्यूरेशन को लिख लेते हैं, कितना है, 3 and 2/3 hours, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HRS, ठीक है, आवर्स का मतलब है घंटे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। फिर है ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो कितनी होगी, दे रखी है 1 and 1/2 hours। हमारे को क्या निकालनी है, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, ये हमारे को निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी, हम निकालेंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो, इसमें से माइनस कर दो क्या, ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आई होप आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो टोटल ड्यूरेशन कितनी थी, ये थी
थ्री एंड टू बाई थ्री आवर्स, माइनस ये कितना होगा वन एंड वन बाई टू आवर्स, शॉर्ट में लिखा है एचआरएस, ठीक है। अब पहले कन्वर्ट करो, आवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, काम करते हैं लास्ट में लिख देंगे हम लोग एक साथ ही। तो कन्वर्ट करो पहले, तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में थ्री थ्री जा नाइन और टू कितना हो गया इलेवन बाई थ्री, माइनस टू वन जा टू और वन कितना हो गया थ्री, थ्री बाई टू। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सिक्स आएगा, इस सिक्स में थ्री से डिवाइड करोगे टू टाइम होगा, टू को इलेवन से मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी टू आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, सिक्स में टू से डिवाइड करोगे थ्री टाइम होगा, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन होगा, तो कितना हो गया ट्वेंटी टू माइनस नाइन अपॉन सिक्स। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना टाइम होगा थर्टीन आएगा, तो देखो ट्वेल्व में से नाइन गया तो थ्री आएगा सही है, और फिर वन थर्टीन डिवाइड बाई सिक्स, आगे सोल्व करोगे तो देखो टू टाइम डिवाइड हो गया और वन बाय सिक्स आवर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसे भी आप एक बार देख लेते हैं वापस, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो टेन डिवाइड कर बारह आएगा, लेकिन नाइन ही कर रहे हैं, थर्टीन बाई सिक्स इनको कन्वर्ट सही किया था, थ्री थ्री जा नाइन और टू इलेवन बाई थ्री, माइनस टू वन जा टू थ्री बाई टू, एल सी एम लेंगे सिक्स आएगा, ट्वेंटी टू माइनस नाइन थर्टीन अपॉइंट सिक्स टू एंड वन बाई सिक्स आवर्स सही है। तो ये इतने टाइम की एक्चुअल में हमारी मूवी थी, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको आप सोल्व कीजिए, जो भी आप लोगों का रिजल्ट आता है आंसर निकल के आता है उसको आप कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों के इन क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, या मैं कॉमेंट करके ही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इनका रिप्लाई वहाँ पर दे दूँ कि इसका एग्जैक्ट यानी कि एक्चुअल में सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए पहले हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी पढ़ी थी। एडिशन में क्या पढ़ा था हमने कि दो फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा कॉमुटेटिव होता है। कॉमुटेटिव का मतलब है कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और एसोसिएटिव भी होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी तीन नंबर्स दिए हुए हैं तो किन्हीं दो को पहले ऐड कर लो फिर तीसरे को बाद में ऐड कर दो, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे ना तो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे 5 माइनस 3 करो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन जब हम 3 माइनस 5 करेंगे तो ये एक्चुअल में होगा माइनस का 2, जो कि दोनों सेम नहीं है, या आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों सेम नहीं है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी नॉट वैलिड। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता था कि जैसे ये बोलना चाहता है कि a माइनस बी माइनस सी कुछ ऐसा नंबर है, जैसे 5 माइनस 4 माइनस 3 है, तो देखो इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 1, पहले इन दोनों को कर रहे हैं 1 आएगा, फिर 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो बड़े में से छोटे को सेपरेट कर देंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, बड़ा नंबर नेगेटिव था इसलिए माइनस का 2 आया। अब इसी को मैं ऐसे करके देखूं, पहले 4 माइनस 3 करूं तो कितना आएगा 1 आएगा 4 माइनस 3, और फिर 1 को 5 में से माइनस करूं तो कितना आएगा 4, तो देखो ये भी दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम बोल देंगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉमुटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कॉमुटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होगा। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये दो क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व कीजिए, इनके आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।